देख रहे कुशाग टुडे लाइव न्यूज चैनल। आइए ले चलते आपको मुख्य खबरों की तरफ। आपसी जमीनी विवाद के कारण आरोपी ने अपने साले के साथ मिलकर चाचा के बेटे की हत्या की। आरोपी द्वारा 16 तारीख को बच्चे की हत्या करके 17 को अपहरण की कूट रचना कर फिरौती की मांग कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। मृतक एवं मृतक के बड़े पिता में पूर्व से ही जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहा था विवाद एवं परिवार की महिलाओं में हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इस आपसी रंजिश को मन में रखते हुए तेजबली ने अपने चाचा के पुत्र की हत्या की योजना पूर्व से ही बना ली थी, जिसके लिए आरोपी तेजबली मृतक विकास कुमार प्रजापति उम्र 13 वर्ष को कई जगह घुमाने भी ले जाते था। दिनांक 16/8/19 को भी हत्या करने से पूर्व तेजबली मृतक को घुमाने के लिए नदी के पास ले गया था एवं दोपहर बाद तेजबली ने मृतक विकास को गांव के बाहर बंसीपुर थाना नादत देहात मेहर क्षेत्र एक गड़ी में घूमने के लिए बुलाया, जहां कुआं में मृतक विकास को तेजबली ने हाथ पैर बांधकर डाल दिया एवं शाम को आकर देखा कि विकास जीवित है या मृत। रात भर मृतक के पिता एवं आरोपी तेजबली व धनीराम भी मृतक विकास की तलाशी में लगे रहे। सुबह दिनांक 17/8/19 को फरियादी मृतक विकास के पिता थाना अमरपाटन में प्रस्तुत होकर अपने पुत्र विकास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस देखते रहिए कुशाग टुडे लाइव न्यूज चैनल। आगे की खबर जारी रहेगी।